सो हे गाइस कैसे हो, वेलकम बैक मैं नदन न्यूडो। भाई आपका क्या फिर से न्यूडो के साथ। तो गाइस कैसे हो भाई, होप से लेके आप अच्छे होंगे। सो गाइस आज की वीडियो में फिर से हम लोग यहां पे बात करने वाले काफी सारे अपकमिंग इवेंट एंड कल्चर अपडेट के बारे में। सो भी 33 के अपडेट में केंटा कैरेक्टर हमारे गेम के अंदर डाला गया था, जिसे फिलहाल तो ग्रेनेड अभी गेम के अंदर नहीं डाला है। भाई की एक छोटी सी अपडेट में आप लोग को केंटा कैरेक्टर हमारे गेम के अंदर देखने मिल जाएगा। लेकिन यार क्या आपको पता है ओबी 34 का जो अपडेट आने वाला है, यार इस बार कौन सा कैरेक्टर ग्रेनेड हम सभी को लाकर देने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो आज के वीडियो में आपका भाई आप लोग को बताने वाला है। साथ ही गाइस क्या आपको पता है बनी बंडल हमारे गेम के अंदर मोको स्ट्रो में रिटर्न में आने वाला है। साथ साथ हम लोग अभी बात करने वाले इवो फार्मास एंड और भी काफी सारे गन स्किन गेम के अंदर आने वाला है, जिसके बारे में रमजान स्पेशल M1A1 का गन स्किन आने वाला था कल ही, लेकिन यार उसे भी अभी गेम के अंदर नहीं लाया गया है। तो और कब आने वाला है, जिसके डिटेल्स आज के वीडियो में मिलने वाली है आपसे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, एक लाइक वीडियो को जरूर से आप लोग कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर न्यू आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर सेट कर रख लीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देख सकते हो मुझे 250 रुपए का रिडीम कोड मिल चुका है, जिससे मैंने अपने अकाउंट में रिडीम भी कर लिया है। अब यार ये मुझे कैसे मिला, तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग को एक लिंक मिलने वाला है, जिससे जाकर आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आने वाला है, जहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर देना, जिस पे आपके पास एक OTP आने वाला है। एंड यार OTP को भी आप लोग यहाँ पे फिलअप कर देना। देन यार उसके बाद आप सिर्फ से यहाँ पे नाम पूछा जाएगा, आपका जो भी नाम है यहाँ पे आप लोग इंटर कर देना, फर्स्ट एंड का लास्ट नेम। एंड यहाँ पे आप सिर्फ ईमेल आईडी पूछा जाएगा, जिसपे आपका रिडीम कोड जाने वाला है। यहाँ पे वही ईमेल आईडी को आप लोग ऐड करना, जिसपे आपका रिडीम कोड जाने वाला है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद लेट्स गो के बटन पे क्लिक कर देना। देन यार यहाँ पे आपको 1 से 2 मिनट वेट करना है। 1 से 2 मिनट यहाँ पे वेट करने के बाद आपको बैक आना है अपने फोन पे। एंड यार आपने जिस भी ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर किया था, यहाँ पे देख सकते हो मुझे मिल चुका है 250 रुपए का रिडीम कोड। तो भाई काफी कमाल का ऑफर चल रहा है, जल्दी से जाकर फटाफट आप लोग लूट लो। लिंक जो है गाइस डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। फाइनली गाइस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, बात करते हैं गेम के अंदर काफी सारे आने वाले अपकमिंग अपडेट एंड गाइस इवेंट्स के बारे में। अब यार जैसे कि पता है कल के वीडियो में आपसे को मैंने बताया था कि एक स्टंप कलेक्ट के नाम से हमारे गेम का इवेंट आने वाला है। फाइनली गाइस इवेंट जो हमारे गेम के अंदर आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जितने सारे रिवार्ड के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, वही सेम रिवार्ड इसके अंदर भी डाले गए हैं। इस इवेंट के डील्स के बारे में हम लोग ज्यादा कुछ यहाँ पे बात नहीं करने वाले, बस आप लोग को इतना बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो बंडल आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये बंडल का जो एक्सचेंज है, मतलब यार ये बंडल आप लोग को 3 से 5 मई के बीच मिलने वाला है। तो अभी आप लोग स्टैंप यहाँ पे कलेक्ट कर भी लेते हो तो ये बंडल आप लोग अभी फिलहाल नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे टोकन है, जिससे आप लोग कलेक्ट कर लेना, कुछ यहाँ पे मिसल्स कलेक्ट करके देने, इससे आप लोग को स्पिन करने हैं। स्पिन करने के बाद यहाँ पे जितने सारे टोकन आप लोग यहाँ पे मिलने वाला है, इसमें से एक यूनिक टोकन है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये येलो कलर का टोकन, जिससे आप लोग यहाँ पे कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट करने के बाद ही आपका बंडल अनलॉक होने वाला है। एंड यार ये जो बंडल है 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच आप लोग एक्सचेंज करने के लिए मिलने वाला है। इवेंट काफी सिंपल है, जिसके डिटेल्स हम लोग यहाँ पे वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके डिटेल्स आप लोगों को कल के वीडियो में आपका भाई आप लोग को बता रखा है। आने वाले जितने सारे इवेंट है, जिससे रिलेटेड आपका भाई सबसे पहले आप लोग को अपडेट ला कर देता है। यार फिर भी आप लोग वीडियो को कम लाइक करते हो तो आप वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। जितने सारे लोग चैनल पर न्यू आ रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर सेट कर रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट आपका भाई पर डे आपके लिए लाता रहता है। एंड यार सबसे पहले लाकर आप लोग को देता है। कल के टूर्नामेंट अपडेट के वीडियो में आप लोग को बताया था कि स्टंप कलेक्ट के नाम से एक न्यू इवेंट आने वाला हमारे गेम के अंदर, फाइनली यार देखते तो आ चुका है। इसके साथ साथ एक और इवेंट था, जिसके डिटेल्स मैंने यहाँ पे नहीं बताया था, क्योंकि यार मुझे एक डाउट था कि यार गिरना इस इवेंट को भी गेम के अंदर नहीं लाने। आपको पता है मैं किस वाले इवेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, न्यू टोकन टाइप इवेंट जो हमारे M1 से रिलेटेड आने वाला था कल हमारे गेम के अंदर, यार आज हमारे गेम के अंदर 20 अप्रैल को ही गाइस बताया जा रहा था कि ये जो है टोकन टावर इवेंट हमारे गेम के अंदर आने वाला था, लेकिन यार मुझे डाउट था। एंड यार वैसा ही हुआ है, क्योंकि देख सकते हो इवेंट जो है अभी फिलहाल हमारे गेम अंदर नहीं डाला गया है। गाइस बात यहाँ पे कर लेते हैं कब तक इवेंट आने वाला हमारे गेम के अंदर। तो यार देखो मई के स्टार्टिंग वीक में ही ये टोकन टावर आप लोगों को गेम के अंदर फिलहाल देखने मिलने वाला है। बात करेगा इसके कन्फर्म डेट के बारे में, तो ऑलरेडी पता है कन्फर्म डेट तो भाई 26 अप्रैल रखा गया था, लेकिन यार उसे भी ने कैंसिल कर दिया है। ज्यादा कन्फर्म तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकता हूँ 2 से 3 मई के बीच इसका टोकन टावर आप लोगों को गेम के अंदर देखने मिल जाएगा। फिलहाल यार इस इवेंट का नहीं लाने का सबसे बड़ा रीजन है रमजान पास का आने वाला है एक न्यू इवेंट, जिसके कारण ही अभी इस इवेंट को थोड़ा सा गिरना डिले किया है। यार मई तक आप लोग वेट कर लो। एंड यहाँ पे बात करते हैं एक और इवेंट के बारे में, जिसके डिटेल्स मैंने आप लोग को 2 से 3 वीडियो में बता रखा है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आने वाले हमारे मई मंथ के मिश्रो के बारे में। आपको पता है पिछले 2 वीडियो मैंने आप लोग को इसके रिलेटेड अपडेट दिया था। देन यार आप में से काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई गिरना पागल हो चुका है, मंथ की स्टार्टिंग में भी इलाइट पर डिस्काउंट यहाँ पे डाल रहा है, तो और लोग जो है यहाँ पे ऑर्डर नहीं करने वाले। अभी यार हम लोगों ने जो यहाँ पे बात की गिरना भी उसे सुन लिया है, क्योंकि यार पहले अपडेट आ रहे थे कि इसके अंदर आप लोग इलाइट पर डिस्काउंट देखने मिलने वाला है, बट यार आने वाले इस इवेंट के अंदर थोड़ा सा आप लोग को चेंजेस देखने मिलने वाला है। मैं यहाँ पे किसके बारे में बात करूँ, आप लोगों को पता होगा इलाइट पास इसके अंदर आप लोग को डिस्काउंट में नहीं देखने मिलने वाला। बांग्लादेश सैनिकाज इंडिया सर्वर में ये जो 3 अप्रैल को विश्व देखने मिलने वाला है, बट यार उसके अंदर इलाइट पर डिस्काउंट आप लोग को देखने में नहीं मिलने वाला। अभी इसलिए बोल रहा था ज्यादा इससे रिलेटेड आप लोग बातें मत किया करो, क्योंकि यार गिरना को इसके बारे में पता चल गया। एंड यार वो यार इसके अंदर इलाइट पर डिस्काउंट नहीं डाले वाला। आई नो आप लोग पूछने वाले हो मेरे से कि भाई क्या मई मंथ में क्या इलाइट पर डिस्काउंट देखने नहीं मिलने वाला, क्योंकि यार मिस्टर तो आ जाएगा, इसके बाद कोई ऐसा इवेंट नहीं आने वाला जिसके अंदर इलाइट पर डिस्काउंट डाला जाए। ब्रो यार अभी मई का मंथ स्टार्ट भी नहीं हुआ, देन यार मई मंथ में आने वाला जितने सारे इवेंट है जिसके डिटेल्स भी अभी नहीं आए हैं, थोड़े टाइम के लिए भी आप लोग वेट कर लीजिए, आने वाले कुछ वीडियो के अंदर आप लोग अपडेट मिल जाएगा। फाइनली गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेम के अंदर आने वाले कुछ न्यू अपडेट के बारे में। तो पता है मई के मंथ में हमारे गेम का न्यू अपडेट आने वाला है। आने वाली इस अपडेट से रिलेटेड तो पता है काफी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अपडेट के बाद गेम प्ले स्टोर पे आने वाला है। साथ ही अगर आने वाली इस अपडेट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कौन से न्यू कैरेक्टर, कौन से न्यू गन स्किन आने वाला है, तो देखो आने वाले न्यू कैरेक्टर के बारे में तो डिटेल्स मिल चुका है।
साथ ही कुछ गन स्किन भी आने वाला है जिसके डिटेल्स यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोगों को वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बात कर लेते हैं सबसे पहले यार जो न्यू अपडेट आने वाला है जिसमें क्या हम लोग को प्ले स्टोर पे गेम लेवल देखने मिल सकता है। तो गाइस देखो, अगर प्ले स्टोर पे गेम लेवल होने वाला होगा तो ग्रेना जो है इसके बारे में ऑलरेडी काफी सारे डिटेल्स हम लोग को प्रोवाइड कर देगा। अभी फिलहाल कुछ भी अपडेट नहीं आ रहे हैं गेम को बैक आने को लेकर, तो अभी फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे कंफर्म नहीं बोल सकते कि गेम आने वाले अपडेट के अंदर आप लोग को प्ले स्टोर पे लेवल देखने को मिल सकता है। आई नो, मुझे भी पता है काफी से लोग बोल रहे हैं कि अपडेट के बाद गेम जो है प्ले स्टोर पे लेवल होने वाला है, बट यार अभी की सिचुएशन अगर आप लोग देखने वाले तो कुछ ऐसे अपडेट तो निकल कर नहीं आ रहे हैं कि आफ्टर एड गेम जो हमारा प्ले स्टोर पे बैक आने वाला है। अगर गाइस गेम अपडेट के बाद बैक आना होता तो पता है पिछले ही अपडेट में गेम बैक आ चुका होता। ग्लोबल वर्जन एंड गाइस इंडियन वर्जन में आपको पता है काफी ज्यादा डिफरेंस अभी चल रहा है। बस यार आप लोग इतना जान लो थोड़े टाइम तो लगने वाला है, बट यार इस बार जो गेम बैक आने वाला है वो यार इंडियन सर्वर के लिए डेडिकेटेड होने वाला है। मतलब यार इंडिया का खुद का फ्री फायर तो यार काफी मजा आने वाला है, यार काफी अच्छा भी होने वाला है क्योंकि यार इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली हमसे। अब आई नो इसमें थोड़ा टाइम तो लगने वाला है, पता है पबजी बैन हुआ तो काफी टाइम लगा था पबजी को बैक आने में, बट आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख लो, गेम आप लोग को बैक देखने मिलने वाला है कुछ टाइम के बाद। अब यार आने वाले नेक्स्ट अपडेट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप लोग को फीमेल का कैरेक्टर देखने मिलने वाला है। बात करें इस कैरेक्टर के बारे में तो भाई एक सिंगर है जिससे यार इस बार का कोलैब होने वाला है फिर का, जिससे रिलेटेड आप लोग को एक कैरेक्टर देखने मिलने वाला है। एंड यार ये जो कैरेक्टर है 100% यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, आने वाले नेक्स्ट OB34 की अपडेट में आप लोग को एक कैरेक्टर देखने मिलने वाला है। अब यार मुझे पता है आप सभी का क्वेश्चन होगा कि भाई केंटा कैरेक्टर का क्या हुआ जो इस अपडेट में आने वाला था। ब्रो यार आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को अपडेट दिया था कि यार जो FFWS का इवेंट आने वाला है जिसमें यार लॉगिन रिवार्ड में मुझे लग रहा है केंटा कैरेक्टर आप लोग को ग्रेना बिल्कुल फ्री में देने वाला है। वैसे भी यार जितने सारे कैरेक्टर है ऑलरेडी आपसे को बिल्कुल फ्री में मिल चुका है, तो यार केंटा कैरेक्टर क्या है वो भी आप लोग को ग्रेना इस बार बिल्कुल फ्री में दे देगा। आने वाले नेक्स्ट अपडेट में आप लोग को फीमेल का कैरेक्टर देखने मिलने वाला है। बात करते हैं गन्स के बारे में तो आप लोग यहाँ देख लीजिए एक न्यू स्नाइपर गन आने वाला है। जो स्नाइपर गन आप लोग यहाँ देख रहे हो नेक्स्ट अपडेट में आप लोग को गेम के अंदर देखने मिलने वाला है। आने वाले इस गन का क्या कुछ अपडेट होने वाला है जिसके बारे में कुछ आइडिया तो नहीं है, लेकिन आप लोग को आने वाले कुछ वीडियो के अंदर इसके रिलेटेड अपडेट में आप लेकर देने वाला हूं। अभी फिलहाल तो गाइस एडवांस सर्वर ओपन नहीं हुआ है, एडवांस सर्वर जस्ट हम ओपन होने वाला है। आने वाले नेक्स्ट पेट एंड अदर गन स्किन के बारे में और भी काफी सारे डिटेल्स यहां पे आने वाले हैं, इससे रिलेटेड आने वाले वीडियो के अंदर आप लोग अपडेट मिलते रहेंगे ऐसे ही। तो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ आने वाले इवेंट्स के बारे में। आप लोग अगर मेरे से काफी टाइम से पूछ रहे थे कि भाई हमारे गेम अंदर बनी बंडल कब रिटर्न में आने वाला है, और देखो बनी बंडल के बारे में तो डिटेल्स आप लोग को काफी पहले से मैंने बता रखा है, बट यार इसके इवेंट के बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। बट यार यहाँ पे कुछ अपडेट आ रहा है, दो ऐसे बंडल है जिसके लिए एक स्पेशल मोको स्टोर आने वाला है हमारे गेम के अंदर। कल के वीडियो में अगर ऑलरेडी आपसे को बताया था कि यार कोबरा बंडल के लिए मोको स्टोर हमारे गेम के अंदर आने वाला है, एंड यार साथ ही इसके साथ बनी बंडल का भी मोको स्टोर आप लोग को गेम के अंदर देखने मिलने वाला है। देखो बनी बंडल जो है इस अपडेट में ही आ जाता रिटर्न, लेकिन यार गेम बैन है जिसके कारण गेना इवेंट को अभी डिले कर रहा है। इंडियन सर्वर में बनी बंडल रिटर्न में गेना नहीं डालता है, लेकिन यार पाकिस्तान सर्वर को आप लोग देखने वाले तो बनी बंडल इतना ज्यादा वहां पे रिटर्न आता है यार बता नहीं सकता। यहाँ पे पीस बार भी देखते तो बनी बंडल वहां पे लाख वाले सेक्शन में रिटर्न में डाला गया है, एंड आने वाले कुछ दिनों के बाद यार बनी बंडल जो है हमारे गेम के अंदर भी आप लोग को मोको स्टोर में रिटर्न में देखने मिलने वाला है। जिस टाइम हमारे गेम तरफ FFWS का इवेंट स्टार्ट होने वाला उस टाइम ही एक न्यू मोको स्टोर गेम के अंदर डाला जाए, आई मीन यार आने वाले मई के मत में, एंड यार मई के मत में ही आप लोग को गेम के अंदर हमारा जो बनी बंडल है रिटर्न में देखने मिलने वाला है। FFWS का जो इवेंट है 12 मई से हमारे गेम के अंदर स्टार्ट होने वाला है, एंड यार इसमें ही दो स्पेशल आने वाले हैं मोको स्टोर जिसमें आप लोग को बनी बंडल रिटर्न में देखने मिलने वाला है। साथ ही अभी आप लोग पूछ रहे थे कि भाई इवो फेमस कब हमारे गेम के अंदर रिटर्न में आने वाला है, तो यार इवो फेमस भी आप लोग को देखने मिलने वाला है मई के मत में, जिस टाइम एक छोटा सा अपडेट डाला जाएगा। 6 से 7 मई के बीच हमारे गेम के अंदर छोटा सा अपडेट आने वाला है जिसमें यार सारे आइटम गेम के अंदर ऐड किए जाएंगे। ऐसे तो यार बनी MP40 जो है ऑलरेडी रमजान पास में आने ही वाला है, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि यार बनी इवेंट से रिलेटेड काफी सारी चीजें फिर से गेना रिटर्न में लाकर देने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो आपसे को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अगर चैनल में नहीं आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी सेट कर रख लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय गाइस।